प्यार भरी नमस्ते सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉबी स्पेशल बाय प्रीति कालिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल पनीर भुर्जी की, एकदम ढाबा स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल, यम्मी डिलीशियस। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा आपके। तो होप करती हूँ अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी, एक बिल्कुल हॉबी स्पेशल के स्टाइल में, लेकिन खाने में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी वीडियो, बनाते हैं ढाबा स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल पनीर की भुर्जी। इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव पनीर, यानी 750 ग्राम्स कॉटेज चीज़, घर का बना हुआ पनीर जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। देखिए इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। साथ में मैंने लिए हैं लंबे कटे हुए प्याज 3 से 4, 4 से 5 चॉप्ड टमाटोज, टमाटर, देसी घी 2 गड़छी, उबले हुए मटर, सेंधा नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कटी हुई धनिया, कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून घी, 2 स्पून भर के साबुत जीरा, 3 से 4 प्याज लंबे कटे हुए, 2 टेबलस्पून। अब जब हमारा प्याज हल्का सा पिंक हो जाएगा तब हम इस पर डालेंगे अपने सूखे मसाले। इसके लिए मैं लूंगी 2 लेवल स्पून्स ऑफ सॉल्ट, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं, बड़े बेसिक से मसाले हैं। 1.5 स्पून्स ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 कटी हुई ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खिलाइए। अगर आप नवरात्रा में ये पनीर की भुर्जी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अनियंस को स्किप कर दीजिए, अनियंस ना ऐड करिए, टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तब भी ये बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनने वाली है। अब देखिए हमारे जो प्याज हैं वो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे आके हम इस पर डालेंगे टमाटोज। मैंने एटलीस्ट प्याज को 3 से 4 मिनट तक, 3 to 4 मिनट तक मैंने कुक किया है मसाले डाल के विद स्पाइसेस, ताकि स्पाइसेस भी जो है हमारे अच्छे से भून जाए, कुक हो जाए। हम डालेंगे अपने टमाटोज के साथ ही हम डालेंगे अपने बॉइल्ड पीस, ये मैंने उबले हुए पीस दिए हैं, अच्छे से कुक करें जब तक आपके टमाटर जो है टेंडर ना हो जाए। कीप ऑन कुकिंग, अभी भी ये टेंडर नहीं हुए हैं, इतने सॉफ्ट नहीं हुए हैं। अब देखिए तकरीबन हमारा मसाला जो भून गया, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, बस आफ्टर 1 or 2 मिनट्स मैं इसमें अब हमारा जो पनीर है जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया हुआ है हाथों से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी सब्जी है, कुछ भी आप बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कुछ भी बना रहे हो प्यार से बनाइए, पैशन से बनाइए। अगर आप लोग मन लगा के नहीं बनाते हैं तो खाने वाले को भी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो लीजिए हम बनाएंगे, डालेंगे हमारा चीज़, कॉटेज चीज़, अच्छे से मिक्स करें। अब इस पॉइंट पे आके मैं जो हमारा फ्लेम है, हमारी जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको लो पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब हम उसको लो पे थोड़ी देर ढक के पकाने वाले हैं।
अभी जो मसाले हैं वो हमारा पनीर भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, रचपस चाहिए उसमें। देखिए कॉटेज चीज़ में ना पहले ही पानी होता थोड़ा सा, तो क्योंकि हम इतना ज़्यादा उसे पानी नहीं निकालते तो हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम बाज़ार का पनीर लेती हूँ ना मैं, तो मैं मोस्टली उसमें थोड़ा सा दूध इस पॉइंट पे आके ऐड करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे पनीर, जो हमारा पनीर की बड़ी थोड़ी सॉफ्ट रहे। क्योंकि देखिए अब ये पानी छोड़ेगी तो नेचुरली वो सॉफ्ट हो जाएगी। बाज़ार में वो इतना दबा के पनीर को रखते हैं जब बनाते हैं उसको सेट करने के लिए कि उसमें पानी रहता ही नहीं, तो मुझे उस टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा सा दूध डालना चाहिए जब कुक करते हैं। इस पॉइंट पे आके अब हम अपने पनीर को देंगे ढक, कवर कर देंगे और इसको स्लो पे 3-4 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देंगे कुक होने के लिए ताकि अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए अब हमने इसको खोल के देखा तो मैंने देखा कि कहीं कहीं अभी भी पनीर के लंप्स से हैं, तो थोड़ा सा अपने करछी से इनको दबा के, लैडल से दबा के इनको ज़रा सॉफ्ट कर रही हूँ। 2 मिनट हम इसको और कुक करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दें। ऐसे तो काफ़ी इसने साइड से घी छोड़ना शुरू कर दिया, पर जस्ट 2 मिनट्स मोर, जस्ट लाइक मैगी 2 मिनट्स मोर, तो हमारा पनीर की भुर्जी भी चाहती है, दिल मांगे 2 मिनट्स मोर। चलिए हो गए हैं 2 मिनट और खोल के देखें, ये देखिए पनीर ने घी छोड़ दिया है और हमारा पनीर है बिल्कुल रेडी, रेडी टू ईट। करेंगे अपना कटा हुआ चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, पिसा हुआ गरम मसाला। पनीर की भुर्जी हमारी रेडी है और रेडी है हमारी प्लेट भी प्लेटिंग के लिए, पनीर भुर्जी और ब्रेड स्वीट स्टाइल। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।